असलमिकारे बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें मेरे प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और अता फरमाए एक बहुत प्यारा अमल मेरे प्यारे भाई की तरफ से उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा कर्ज़ में डूबे हुए हैं कर्ज है कि ख़त्म ही नहीं होता नौकरी ख़त्म हो गई जॉब तलाश करते हैं वो भी नहीं मिलती अफसर इज्जत नहीं करता जहाँ पर भी काम करते हैं कुछ अरसा ठीक रहते हैं फिर नाकामी ही नाकामी है ये अमल उन बहन भाइयों के लिए है जो जॉब करते हैं ख़ास तरीक़ा है इस अमल को समझने का अमलियात है ये अच्छे तरीके से समझे अगर आप इस तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तब भी अपनी बहन से बात कर सकते हैं अमल करने से पहले एक दफ़ा हमेशा मैंने आपको कहा है कि आप इस तखारा ज़रूर करवाएं, ताकि कोई बंदिश तो नहीं कोई मसला तो नहीं इसके बाद जो अमल आएगा वो बंदिश को ख़त्म करने के लिए बताया जाएगा वो ज़रूर आप देखिएगा वीडियो उसमें मैं आपको बंदिश को जो रिस्क घर में ख़त्म हो जाता है आता नहीं है उसकी बंदिश क्यों लगी कैसे लगी कैसे ख़त्म की जाए उसके बारे में बताया जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की तरह आहदीस से शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेशाद फरमाया जुमे के दिन और शब जुमा मुझ पर कसरत से दरुद पाक भेजा करो क्यामत के दिन मैं गवाह भी हूँगा और सफारशी भी तो इन जब हम दरुद पाक से काम शुरू करते हैं तो काम में कामयाबी होती है परेशानियाँ ख़त्म होती हैं मुसीबतें डल जाती हैं और बेहिसाब रिज आने लगता है आज का जो अमल है अल्लाह के खास बंदों ने ये अमल बुजुर्गान दीन ने अमल अपनाया लोगों को बताया वक्त इसमें फजर का है सुबह फजर के टाइम में अपनी पढ़ाई करनी है जुम्मत मुबारक का दिन खास है कोई भी दिन आप कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें पहली दफ़ा पढ़ाई करनी है तो फिर जुमातुल मुबारक वाले दिन शुरू करें द्रोदे पाक तीन बार अब चावल के आपने चार दाने लेने हैं चावल के कितने दाने लेने हैं चार चार दाने सिर्फ चार दाने टूटा हुआ दाना कोई ना हो सिर्फ चार दाने लेने हैं सूर् मुजम्मिल, सूर मुजम्मिल आपने इन चार दानों के ऊपर सूर्य मुजम्मिल को पढ़ना है पढ़ने के बाद जब आप सूर्य मुजम्मिल को पढ़कर एक मरतबा अव्वल आखिर तीन मरतबा दूशिफ के साथ इन चार दानों चावलों के पढ़ लेंगे और दम कर लेंगे उसके बाद आपने ये नक्श बनाना है ये रिस्क का नक्श है जिसके पास भी ये नक्श होगा उसका रिस्क कम नहीं होगा पॉकेट में फोटो कापी करवा के रख सकते हैं बाजू पे बांध सकते हैं पास रखना है खातिन पर्स में रख सकती हैं घर में चावलों में चावलों का डब्बा लें उसको आधा खाली करें चावल तय एक तय चावलों की हो नक्श दरमियान में हो फिर चावलों का उसके ऊपर मतलब कि एक हिस्सा आ जाए तो आप यकीन मानें कि इतना रिस्क आएगा ना कि आपकी नस्लें भी खाती रहेंगी ना कभी कम नहीं होगा बेहिसाब रिस्क का अमल आपको बताया जा रहा है कर्ज तीन दिन से सात दिन में खत्म हो जाएगा मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अरबों मिल जाएंगे करोड़ों मिल जाएंगे झूठे झूठ जूट बोल के अमल बताने का कोई फायदा नहीं जरूरत ही नहीं मैं नहीं कहूंगी आपको मुझे ये बताएं कि तीन दिन में चार दिन में कोई अरबों आपको आ सकते हैं अल्लाह के कलाम से चीजें खत्म हो जाएंगी रिस्क गैब से आएगा अल्लाह पाक अता करेंगे लेकिन ये बात झूठ नहीं बांधूंगी कि तीन दिन में अरब आ, आ जाएगा लाख आ जाएगा करोड़ आ जाएगा इस तरह नहीं ये गलत बात है नौकरी भी मिल जाएगी जैसे बैंक्स होते हैं जॉब्स होती हैं कहीं पर भी है आपको मिल जाएगी दुकान है तो दुकान में ये फोटो कापी करवा के या हाथ से बना के भी टंगा सकते हैं अब आपने ये ये जब अमल करना है ना सूर्य मुजम्मिल का उसके बाद ये नक्श तैयार करना है नक्श को चावलों के डब्बे में भी रख सकते हैं ठीक है आपका अपना है कि कितना आप रिस्क चाहते हैं अल्लाह की ज़ात से अब चारों कोनों में घर के घर के चार कोने होते हैं जैसे कमरा है ना कमरे के चार कोने होते हैं इसी तरह घर के दरवा गेट के गेट के बाहर नहीं गेट के अंदर से घर के दरवाजे के अंदर से चार कोने होते हैं चार कोने अगर आपके अटैच्ड बाथ हैं तो उनको निकाल दें वॉशरूमों को निकाल दें बाथरूमों को निकाल दें तो अलग कमरे से स्टार्ट कर लें हमारा घर एक प्लॉट पर मुश्तमिल है हमेशा याद रखें हमारा घर समझे ये एक प्लॉट है छोटा सा ठीक है मैं आपको समझाने लगी हूँ प्लॉट है और ये यहां पर आपका घर का दरवाजा है और इस तरफ वॉशरूम है समझे दो कमरे हैं और ये वॉशरूम है ठीक है ये वॉशरूम है और ये घर का दरवाजा है तो यहां पर एक चावल का दाना यहाँ पर यहां पर एक चावल का दाना अगर तो कोई ऊंची जगह है तो वहां पर भी रख सकते हैं अगर तो चूटिये ले गई चावल का दाना बाहर वाले बाहर वाली जगह से आपका रिस्क उस हिसाब से बढ़ेगा अंदर चावल का दाना जब तक मौजूद रहेगा अपने कमरों में जिस जगह भी आप रखते घर के चार कोनों में तो यकीन माने बेहिसाब रिस्क आएगा ये एक छोटा सा अमल है ये जरूर कीजिएगा हर कोई करे हर कोई करे इस अमल को अपने घर में चावलों के दाने को सूर्य मज़म्मिल पढ़कर एक मरतबा आपने अव्वल आखिर तीन मरतबा दूशीफ के साथ मज़म्मिल चार चावलों के दाने को ये चार चावलों के दाने मैंने रखे हैं घर के कोने में तो आप इसको रखें ठीक है बस बेद भी ना कीजिएगा और इनको घरों के कोनों में रखें हषरात उठाकर खुद ही ले जाएंगे चूटिये खुद ही ले जाएंगी चिड़िया होगी बाहर के अगर गे, गेट के पास होगी घर के दरवाजे के पास होगी खुद ही ले जाएंगी ठीक है चिड़िया उठा के खुद ही ले जाएंगी आपने ये चीज जरूर करनी है ये नक्श चावलों का चावलों के डब्बे की फर्ज करें ये चावलों का डब्बा है ठीक है इतने चावल बीच में ये नक्श आ गया और ऊपर फिर चावल आ गया ऊपर से इसको कैप कर दिया आपने ठीक है इस तरह आप जब कैप करेंगे ना ठीक है ये नक्श बीच में रख के जब तक ये नक्श चावलों के अंदर रहेगा ना तब तक देखिएगा आपका रिस्क कितना बढ़ता ये जरूर कीजिएगा इसी के साथ इजाजत दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तमाम वीडियो मदरसा फातमा तो जहरा लिल बनात की तरफ से पेश की जा रही है जजाकल्ला अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते तो हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं।, हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी कर सकते हैं जैसा कर और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रब्ता करे अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करे आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला